नहीं देखिए, मिलने का जुलने का तो राजनीति में लगा रहता है, और ये मुलाकात हमने कल ही कह दिया था, ये निजी मुलाकात। लेकिन जब दो राजनीतिक दल के नेता एक साथ मिलेंगे तो राजनीतिक बातें भी होंगी, लेकिन वैसे कोई इसमें राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए ये इस मुलाकात को। लेकिन एक बात तो है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार जातीय जनगणना हो, विशेष राज्य का दर्जा हो, इस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, और स्पष्ट रूप से वो बीजेपी पर हमलावर भी है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी को तो इसके लिए साधुवाद धन्यवाद बनता ही है। अब रही बात कि कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन जाएगा, ये सब राजनीति में चलते रहता है। समझने वाले समझ गए, जो न समझे वो अनाड़ी हैं। तो कुछ बात पर्दे में रहने दीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब सब चीज़ तो एक ही बार नहीं बोल दिया जाएगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की 12 करोड़ जनता के मांग को तेजस्वी यादव जी चट्टान की तरह उस पर अडिग हैं, और चाहे विशेष राज्य का दर्जा हो, जातीय जनगणना हो, इसको लेकर के कोई कंप्रोमाइज का सवाल नहीं, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मुद्दे पर हम अडिग हैं और इसे कराना होगा, देना होगा, ये किसी पार्टी का नहीं, ये बिहार की 12 करोड़ जनता की मांग है, और बिहार विधानसभा में जनता ने सबसे बड़ी ताकत नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को दी है। सबसे बड़े दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल है, तो बहुत सारे दलों के नेता भी तेजस्वी यादव जी की मांग से सहमत हैं। बिहार की भलाई अगर जिसको चाहिए वो सब लोग साथ आएंगे, दूसरे दल के नेता विधायक भी आएंगे, 365 दिन करने के लिए तैयार रहते हैं, खरमास में भी चाहेंगे तो खेला कर सकते हैं, लेकिन जनता की भलाई हमारे नेता तेजस्वी यादव जी की प्राथमिकता है। तो बिहार की जनता के मुद्दे पर, बिहार के को वाजिब हक दिलाने के लिए, बिहार के हित के लिए कुछ भी करेंगे। और वैसे भी लोहिया जी ने कहा है, जिंदा कौम 5 वर्षों तक इंतजार नहीं करता। जो जागरूक राजनीतिक दल होते हैं, अरे जिस खेला की बात आप लोग कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं, खेला तो विधानसभा में जनता ने कर दिया, सबसे बड़े दल के रूप में तेजस्वी यादव जी को जनादेश दिया। लेकिन जिसने उल्टा खेला खेला, जनादेश का अपहरण किया, जनादेश के साथ अपमान किया, उसको तो उसी खेला करके जवाब दिया जाएगा। तो आप छेड़िएगा तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। जनादेश सरकार बनाने के लिए जनता ने तेजस्वी यादव जी को दिया था, इस बात से कोई इनकार कर सकता है क्या? और अभी भी जो विधानसभा में संख्या बल है उसमें बहुत ज़्यादा कम मार्जिन है नहीं, तो हम 365 दिन तैयार हैं, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं बिहार की जनता की कितनी ये बदहाली दुर्दशा जो करके बैठे हैं ये NDA वाले। डबल इंजन सरकार कहते थे, चार चार चक्का है, चारों पंचर है, तो ये डबल इंजन में फायदा क्या हुआ बिहार को? हर मामले में बिहार फिसड्डी हो रहा है, इसकी चिंता है। तो हम एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते, जागरूक विपक्ष के नेता के रूप में तेजस्वी यादव जी सजग हैं, और जो सच्ची आवाज को रोकेगा वो दीवार गिरेगी। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।